नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का स्वागत है आपके ऑटोमेटिक चैनल बिहार टेक्निकल में और आज की स्टूडियो में। आज के सुनाव को बताने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी और पांचवी किस्त भी आना शुरू हो चुका है दोस्तों। यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपका चौथा किस्त नहीं आया है तो चौथा किस्त आपका तुरंत आने वाला है, या चौथा किस्त आ गया है तो आपका पांचवा किस्त तुरंत आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर आप सबको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों का भी फर्स्ट पेमेंट नहीं आया है, बहुत लोग का फर्स्ट पेमेंट आ चुका है तो सेकंड पेमेंट नहीं आया है, बहुत लोग को ऐसा है कि सेकंड पेमेंट आ चुका है लेकिन थर्ड पेमेंट नहीं आया है, उन लोग को भी पेमेंट आने वाला है। ये सारी डिटेल इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल फर्स्ट विजिट किया था चैनल सब होकर एक छोटा सा घंटों को उसको दबा दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्या सबसे पहले हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन्यू बार में आपको बहुत सारे मेन्यू मिलता है, जैसे कि होम लोन अबाउट द स्कीम गाइडलाइन इस तरह से आपको बहुत सारे मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा फार्मर कॉर्नर, तो फार्मर कॉर्नर पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा जैसे कि न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, लीड आधार फेलर रिकॉर्ड, बेनिफिशियरी स्टेटस, बेनिफिशियरी लिस्ट, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड CSE फार्मर, डाउनलोड PM किसान मोबाइल ऐप। तो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिशियरी स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना स्टेटस यहाँ पे चेक करने के लिए, अपनी स्टेटस का डिटेल चेक करने के लिए यहाँ पे आप तीन तरह से कर सकते हैं। आपको आधार नंबर पता है तो आधार नंबर से कर सकते हैं, आपको अकाउंट नंबर पता है तो अकाउंट नंबर से भी कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर पता है तो मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ में आपके पास कोई भी एक होना चाहिए। तो हमारे पास मोबाइल नंबर याद है तो आपको इस पर टिक कर देना है, यानी कि आपके पास जो भी है उस पर आपको टिक कर देना है। आधार नंबर से चेक करना चाहते हैं तो आधार वाले पर टिक रखना है, अकाउंट नंबर से करना चाहते हैं तो अकाउंट वाले पर टिक रखना है, हम मोबाइल नंबर से चेक करना चाहते हैं तो मोबाइल पर टिक कर दिए। इसके नीचे आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को लिखना है। चलिए यहाँ पर हम मोबाइल नंबर को लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान रख देना है कि यदि आप आधार नंबर से इसको चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वही आधार नंबर डालना है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड है, या आप अकाउंट नंबर से चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर वही अकाउंट नंबर डालना है जो आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड है, और मोबाइल नंबर से चेक करना चाहते हैं तो वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मोबाइल नंबर को दिए हैं। तो हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को डाल दिया है। इसके बाद आपको गेट डेटा के बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे कि क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा प्रोसेस होगा, आपको वेट कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो थर्ड पेमेंट था थर्ड पेमेंट भी आ चुका है, और यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट आ चुका है, सेकंड पेमेंट भी आ चुका है, थर्ड पेमेंट भी यहाँ पे डाउन दिखा रहा है, और देख सकते हैं कि हमारा फोर्थ पेमेंट नहीं आया है तो मेरा फोर्थ भी पेमेंट बहुत जल्द आए। दोस्तों यहाँ पे आप सबको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पेमेंट डिटेल्स में दिखा रहा है कि EFTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग तो आपका पेमेंट बहुत ही तुरंत आने वाला है, यानी कि आपका EFTO जनरेट हो चुका है लेकिन आपका पेमेंट अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, जिस कारण से आपका पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आपका पेमेंट तुरंत आ जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे लिख रहा है कि पेमेंट पेंडिंग, उन लोगों का भी तुरंत पैसे आने वाला है। तो आज के स्टूडियो में नहीं, आप सबको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कीजिए।